आज का सुपर शेयर जीनस पर और 9% की कमाई हो गई, 4985 के मौजूदा स्तर देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रांग खरीदारी 9:30 बजे रोज बरोज एक ऐसे शेयर आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही साथ आशिमा ये स्टॉक पे नजर रखें क्योंकि ये स्टॉक अब निचले स्तरों से फिर से एक स्ट्रांग और स्मार्टली पुल बैक दे रहा है। 11% के आसपास की तेजी जो आशिमा सिंटेक्स पे देखने को मिल रही है। नवीन फ्लोरीन ब्लॉक डील्स हुई थी उसके बाद एकदम से स्टॉक पे एक्टिविटी देखने को मिली और 15% चढ़ गया ये स्टॉक। डीसीएम श्रीराम 2 सत्रों से खरीदारी स्टॉक पे देखने को मिल रही है। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड जहां पर ट्रेडर्स इस समय ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आरबीएल बैंक मल्टीपल ब्लॉक डील्स हुई, रिजल्ट्स आए उसके बाद जब आज खुला तो उसके बाद मल्टीपल ब्लॉक डील्स स्टॉक पे देखने को मिली, 5% ये ऊपर है। एस्टर इंडस्ट्रीज इंटरेस्टिंग पिक है, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर आने की कोशिश की इसने और अब 3 सत्रों से जोरदार वॉल्यूम के बीच में खरीदारी हो रही है। इसके अलावा ओमेक्स ऑटो कल दोपहर से ये स्टॉक बहुत एक्टिव होता हुआ नजर आया। वर्धमान पॉली इसका तो चार्ट स्ट्रक्चर एक तरफा है, चार ट्रेडिंग सेशन से वापस लौटने का नाम नहीं लिया। अमृतांजन एक और स्टॉक अब तक का उच्चतम स्तर इस स्टॉक ने छुआ है, 8% की कमाई इस स्टॉक पे देखने को मिली। वर्धमान पॉली 2013 के उच्चतम स्तर पे। बाजार के जानकार में इससे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करूंगा कौन से ट्रेड्स हैं जहां पर आज के सत्र में फोकस किया जा सकता है। 8718 के लेवल पे है निफ्टी। प्रदीप फॉर्चूनदारी साहब मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप शुक्रिया सर, बताएं निफ्टी पे स्ट्रैटेजी, अब स्ट्रॉन्ग रन देख चुके हैं लेकिन अब क्या यहां से तेजी बनाने का मौका या फिर कोई इंपॉर्टेंट लेवल जिस पे आप फोकस कर रहे हैं? शुक्रिया रजत। 8500 से 8540 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होल्ड करने के बाद निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की ओर बढ़ रहा है। 8770 से 8800 का एरिया हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पे मेजर टॉप्स को कनेक्ट करते हैं तो वो 8770 पे रेजिस्टेंस आ रहा है और इसके अलावा 8800 जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक के दिन टॉप बना था और उसके बाद फिर से एक बार निफ्टी ने वहीं पे रेजिस्टेंस लिया था, तो काइंड ऑफ डबल टॉप 8800 पे प्लेस्ड है। तो हमारे हिसाब से 8770 से लेके 8800 के रीजन तक निफ्टी अप मूव एक्सटेंड कर सकता है। फॉर द टाइमिंग हम अपने क्लाइंट्स को करीबन 8635 के इमीडिएट सपोर्ट से लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस कर रहे हैं। चलिए, और कुछ स्टॉक्स जहां पर आज मैं बात कर रहा हूं, इनफैक्ट जो मेरे स्टॉक्स थे आज रिटर्न्स ऑलरेडी मिल चुके हैं लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? एस्टर इंडस्ट्रीज पिछले 3 सत्रों से खरीदारी स्टॉक में बन रही है, क्या ये और एक्टिव हो सकता है नेक्स्ट वीक तक के अगर होराइजन हो किसी का तो इसमें क्या पोजीशन बना के चल सकते हैं? देखिए ओवरऑल फॉर्मेशन देखें तो दिसंबर 2015 में इसने 108 का हाई बनाया था और फिर वहां से एक स्टीप करेक्शन इसको 33 तक लेके गया था और ब्रॉडली पिछले 7 से 8 महीनों से ये कंसोलिडेशन के फेज़ में। अगर मैं वीकली चार्ट्स को देखूं तो बॉलिंगर का अपर बैंड इसको 58-60 से के रीजन में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहा है। अगर इसके ऊपर ये निकल जाता है तो बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि ये 108 के अपने जो प्रीवियस स्टॉप है उसको रिटेस्ट कर सकता है। तो फॉर द टाइमिंग मोमेंटम को देखते हुए और जिस तरह से वॉल्यूम बिल्डअप हो रहे हैं इस लिहाज से इसको होल्ड करने की एडवाइस ज़रूर से रहेगी। 53 का एक स्टॉप लॉस नज़र में आ रहा है ऊपर की साइड में, जैसे मैंने बताया 58-60 के रीजन के पर ये सस्टेन करता है तो फिर 108 तक की अपमूव कुछ 2-3 क्वार्टर में देखी जा सकती है। राइट, अमृतांजन देख के बताएं, कुछ चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स ऐसे हैं जो एक तरफा चाल दिखा रहे हैं, आज फिर से जोरदार खरीदारी बनी जिसके चलते अब तक के उच्चतम स्तर पे पहुंच गया, जिनके पास पोजीशन वो कहां तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या फ्रेश पोजीशंस ले सकते हैं स्टॉक? अमृतांजन में एक लास्ट टू लास्ट एक बड़ा ब्रेकआउट देखा गया था वीकली चार्ट्स पे करीबन 525 के लेवल के ऊपर। जो भी ये कंसोलिडेशन का फेज़ हमने देखा है तो उसका लॉजिकल टारगेट करीबन 750-700 के रीजन में आता है, तो यहाँ से मेरे हिसाब से 5-10% की अपमूव और बन सकती है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें जो इमीडिएट सपोर्ट आएगा वो क्लोज़र टू 590 के रीजन में आएगा, वही स्टॉप लॉस रख के उसको होल्ड करना चाहिए, 675-700 के टारगेट दिख सकते हैं। प्रदीप जी, एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है आशिमा, अगर इसके आप स्टॉक प्राइस इन स्टॉक चार्ट चेक कर पाएं क्योंकि ये स्टॉक अब निचले स्तरों से आज पलटने की कोशिश की है और 1650 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, क्या ये अभी रन कंटिन्यू हो सकता है, क्या हम 1850 तक के स्तर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें? जी अच्छी प्रोबेबिलिटी है क्योंकि डेली चार्ट्स पे ये आज के सेशन में ब्रेकआउट दिखा रहा है। बॉलिंगर का अपर बैंड इसको करीबन 1650 में रेजिस्टेंस दे रहा था, अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता है इंट्राडे के बेसिस पे तो ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर क्लोज आ जाता है तो फिर 1950 से 20 रुपये तक की अपमूव एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पे एक आर्ली चार्ट्स पे जो नियरेस्ट सपोर्ट मुझे देख रहा है वो करीबन 15 रुपये के आसपास दिख रहा है, तो उसी स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करना चाहिए। डीक्यू एंटरटेनमेंट पे अगला लक्ष्य क्या है? फिलहाल 2955 के लेवल पे है डीक्यू एंटरटेनमेंट, क्या यहाँ से और खरीदारी हो सकती है, क्या फ्रेश पोजीशंस लें अभी?
जी बिल्कुल, ये भी अपने वीकली चार्ट्स पे एक अच्छे ब्रेकआउट की ओर बढ़ रहा है। इसके जो करीबन 6-7 महीने के चार्ट्स अगर देखें तो करीबन 29 से 30 रुपए के रीजन में इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा था और इसके ऊपर ये ब्रेकआउट दे रहा है वीकली चार्ट्स पे। यहाँ पे मेरे हिसाब से नेक्स्ट मेजर टारगेट अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो सीधा 47-48 का आएगा इवेंचुअली, जो मेरे हिसाब से 6-8 महीने में मटेरियलाइज हो सकता है। यहाँ पे भी एक 27-26 के रीजन में इसका इमीडिएट सपोर्ट आएगा, उसके स्टॉप लॉस से होल्ड करने की एडवाइस रहेगी। चलिए ठीक है, डी क्यू एंटरटेनमेंट पर भी होल्ड करने की सलाह, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं हम फंडामेंटल ग्राउंड्स पे रोज बरोज। अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। अंचल बताएं कौन सा स्टॉक है जो आपके रडार पर आया जहां पर ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट पॉजिटिव है। शुक्रिया रजत, आज का स्टॉक बताने से पहले कैमलिन फाइन की बात कर लेता हूँ। कल ये शेयर दिया था आपको, कल तो एक अच्छी चाल दिखाई थी, आज भी अगर आप इस शेयर को देखें तो 5-5.5% की तेजी बने हुए हैं। दो दिन पहले लगातार चढ़ रहा है पिछले कुछ दिनों से, देख रहा हूँ स्टॉक। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसी आज भी एक पिक है रजत। स्पेस थोड़ी डिफरेंट है, रियल एस्टेट स्पेस से शेयर है आज का कोल्टे पाटिल डेवलपर्स। ये एक शेयर है जो निवेशकों को मध्यम से लंबी अवधि में एक शानदार रिटर्न देती हुई दिख सकती है। कंपनी काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, सबसे पहले कंपनी के Q2 नंबर्स की बात करते हैं। रियल एस्टेट के साथ काफ़ी दिक्कतें चल रही थी लेकिन अब एक रिकवरी मोड में है। कंपनी की अगर स्पेसिफिकली बात करें, Q2 में कंपनी का मुनाफा करीब 30-40% बढ़ने का अनुमान है YoY बेसिस पे। वहीं मार्जिन 4-5% रजत इनके ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ते हुए दिखेंगे। 3-4 ट्रिगर्स हैं, पहले तो कंपनी अपनी ब्याज लागत को कम कर रही है, वो फायदा देगी। दूसरा, कंपनी की कुल लागत जो कॉस्ट है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हैं, उसको कंट्रोल कर रही है कंपनी, उसका फायदा मार्जिन में आता हुआ दिखेगा। साथ ही कंपनी की अगर आप, क्योंकि फेस्टिव सीजन सामने आ रहा है और एक अच्छा बुके है कंपनी का रेजिडेंशियल स्पेसिस का, वो कहीं ना कहीं एक ट्रिगर रहेगा। जिस तरह 7th पी कमीशन आया है, अच्छा मॉनसून रहा है, तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट शेयरों के लिए रियल एस्टेट डिमांड इंप्रूव होती हुई दिखी है और कोल्टे पाटिल साउथ बेस्ड कंपनी आज अच्छा रिस्पांस की उम्मीद की जा रही है। दूसरा बड़ा ट्रिगर इसके बाद ये है, कमर्शियल स्पेस से काफ़ी बड़ा कारोबार है कंपनी का और हम हाल ही में पढ़ रहे थे कमर्शियल स्पेस जो है मांग वहाँ पर करीब 30% बढ़ती हुई दिखी है, उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा चंक कोल्टे पाटिल को साफ तौर पर आता हुआ दिखेगा और वो एक बड़ा ट्रिगर रह सकता है कंपनी के लिए आने वाले दिनों में। वैल्यूएशन की जहाँ तक बात रही, कंपनी की मौजूदा कैश EPS 5.80 रुपये की है, शानदार कैश EPS कंपनी होल्ड करती है, एक अच्छा डिविडेंड रिकॉर्ड है और सेक्टर के कंपैरिजन में शेयर बेहद सस्ते दरों पे अवेलेबल है। मौजूदा PE 9.6 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है तो वहीं सेक्टर अभी 26 के मल्टीपल में ट्रेड कर रहा है। तो रजत आप खुद देखिए, एक अच्छी कैश EPS होल्ड करते हैं, अच्छे सेट ऑफ नंबर्स की उम्मीद की जा रही है और शेयर बेहद सस्ते दरों पर अवेलेबल है और यही कारण है HDFC सिक्योरिटीज मानते हैं एक शानदार पिक हो सकती है मध्यम से लंबी अवधि के लिए। 170 के लक्ष्य के लिए कोल्टे पाटिल में खरीदारी की जा सकती है। फेयर वैल्यू 170 है और कोल्टे पाटिल पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्रोकिंग हाउसेज रिपोर्ट पॉजिटिव है, दिन के उच्चतम स्तर पे 135 का ही लेवल, इनफैक्ट प्रदीप जी मैं यही चेक कर रहा हूँ 135-137 क्रूशियल लेवल है। ये कितनी प्रोबेबिलिटी है जो करंट वॉल्यूम्स हैं इस हिसाब से 135-137 के जोन्स क्रॉस कर जाएगा सर, और क्या तेजी बढ़ सकती है स्टॉक में? जी बिल्कुल, 135 का आपने सही बताया, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस ज़रूर से है और लुकिंग एट द चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम लगता है कि वो क्रॉस करके ये अपने जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है वो क्लोजर टू 151 से 153 के रीजन में आएगा। मंथली चार्ट्स पे अगर आप देखें तो प्रीवियस स्टॉप 151 पे प्लेस्ड है और इसके अलावा 34 मंथ मूविंग एवरेज है वो 153 में है, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट और बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा 151 से 153 का रीजन। ये बहुत क्रूशियल होगा लॉन्ग टर्म के ट्रेंड के पॉजिटिव होने के लिए। इसको अगर ये क्रॉस कर लेता है डिसाइसिवली तो फिर 186 तक के बड़े टारगेट देख सकते हैं, तो फॉर द टाइमिंग एक इमीडिएट टारगेट रहेगा 151 का। चलिए आज क्लियर कट बाइंग है, ये जो छोटे मझोले स्टॉक्स हैं वाकई इनमें खरीदारी जो बढ़ती चली जा रही है।